नमस्कार दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ आकर, और मैं खास ही एक मकसद से आया हूँ, वो है अन्ना जी को मिलने के लिए, उनको गले लाने के लिए। उनको गले में इसलिए लगाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हम सबको जागृत किया है। ये अन्ना जी की पहल है, उनके साथ हम सब जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, मैं जुड़ा हूं, हम सब जुड़े हैं। करप्शन के खिलाफ जो ये स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, इसमें मैं किसी को अलग नहीं देखता हूं, हम सब साथ हैं इसमें। अन्ना जी और उनकी टीम ने जो लोकपाल, जन लोकपाल बिल बनाया है, उसको मैंने पढ़ा है, उसका और दूसरे लोकपाल बिल का जो अंतर है वो भी मैं समझा हूं। और मैं आपके सामने साफ कहना चाहूंगा कि अन्ना जी और उनकी टीम ने जो जन लोकपाल बिल बनाया है, उसकी मैं पूरी तरफ से सपोर्ट करता हूं। जाहिर है ये बिल जो है वो पार्लियामेंट ही पास करेगी, और इसीलिए अन्ना जी की कोशिश यही रही है कि पार्लियामेंट में ये बिल रखा जाए, पास हो, इस पे डिबेट हो। पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज हैं, उनको हमने ही चुना है, हम सब ने मिलकर उनको चुना है, और देश की जनता जो है वो इस वक्त हमारे चुने हुए एमपीज की तरफ देख रही है कि वो इस एंटी करप्शन बिल को कितना मजबूत बनाते हैं। इस वक्त अन्ना जी ने जो पहल की है, जो रोशनी डाली है उस मुद्दे पर, उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हर इंसान, हर हिंदुस्तानी, जनता का हर इंसान आज उसकी नजर इस बिल पर है, एंटी करप्शन पर है, इस मुद्दे पर है, और हम बड़ी उम्मीद के साथ हमारे एमपीज की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इस मुद्दे को पूरी तरह से डिबेट करें, हम चाहते हैं कि वो एक मजबूत लोकपाल बिल निकालें। कितने हद तक हम कामयाब हैं, कितने हद तक अन्ना जी कामयाब हैं, किस किस्म का लोकपाल बिल अल्टीमेटली आएगा, वो तो हम देखेंगे आगे चलकर, लेकिन इस वक्त हर हिंदुस्तानी की नजर उस पर है और रहनी चाहिए तब जब तक ये बिल पास ना हो। बचपन से भ्रष्टाचार देखा है, लेकिन जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो सकता है जिसमें देश भर के लोग सड़क पे आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहां सलाम करने आया हूं। मैं अन्ना जी को सलाम करता हूं, पूरी टीम अन्ना को सलाम करता हूं, और आप सब लोगों को सलाम करता हूं। हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मैंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें गांधी जी की बात की थी, तो लोग मुझसे कहते थे कि ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। गांधी जी आज के जमाने में अगर होते तो उनके तरीके नहीं चल सकते थे यहां पे, आज वो भी फेल हो जाते शायद। मैं अक्सर कहता था नहीं, क्यों नहीं चल सकते। और आज मुझे लगता है जितनी अहिंसा से आप लोगों ने आंदोलन चलाया है, ना कहीं एक पत्थर पड़ा है, ना कहीं एक जूता उछला है, आपने जिस अहिंसक ढंग से इस आंदोलन को चलाया है, वो जीत है गांधी जी की। और उससे हमें लगता है कि हमारे सामने एक नए गांधी जी मौजूद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आंदोलन हो सकता है। दूसरी बात बस मैं यही कहूंगा वो अन्ना जी से कि हमें आपकी बहुत जरूरत है। ये आंदोलन चलता रहेगा, जैसा आमिर ने कहा, अब लोग पीछे नहीं हटने वाले, ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, लोग और जुड़ते जाएंगे। आप अपना उपवास तोड़ दें, आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि हमें आपकी सख्त जरूरत है।
आप हमारे साथ रहेंगे तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रहें, आप हमारे ये जो आमिर ने कहा, जो सब लोग कह रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करें, और आप सब लोगों को ढेर सारा सलाम, धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट सबकी ओर से है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है आमिर साहब, हम रोज एक गाना यहाँ पर गाते हैं, अन्ना भी उसे बहुत सुनते हैं, और ये हमारे दोनों कलाकार दामा नितिन और हमारे दोस्त रोज इस गीत को गाते हैं। आपका गीत है, आपकी वजह से प्रसिद्ध हुआ। आज पूरा देश चाहता है कि वो गीत आप आज अन्ना के हुजूर में थोड़ा नीचे उतरकर जनता के साथ यहाँ पर गाइए। नीचे आ जाइए, शुरू करो, आप बस सुर मिला दीजिएगा, बाकी तो 125 करोड़ लोगों का सुर लगा हुआ है आपके साथ। देखिए मैं बहुत बुरा गाता हूँ, ऐसा ना हो कि सब लोग भाग जाएं यहाँ से। हर संत कहे